नाइट्रोजन एटम ऑफ द हिम वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्लाइसिन इट वॉज इस्टेब्लिश जो नाइट्रोजन आइटम जो होता है हिम में वो किससे आता है ग्लाइसिन से वो पता चला कैसे पता चला इट वॉज डन बाय फीडिंग रैड्स विद नाइन्टी फाइव ग्लाइसिन एंड डिटेक्टिंग एन नाइन्टी फाइव इन हिम तो हमने क्या किया जो uh, रैड्स uh, uh, है हमारे उन रैड्स को एन नाइन्टी फाइव जो नाइट्रोजन है हमारे एन नाइन्टी फाइव एफ नाइट्रोजन का उसे uh, ये हमने फीड किया उसको मतलब जो एन नाइन्टी फाइव करके जो ग्लाइसिन होता है वो ग्लाइसिन हमें उसको फिट किया और उससे ही हमने ये डिटेट किया कि हिम में जो एन नाइन्टी फाइव किस्से आए वो ग्लाइसिन से आया है नेक्स्ट यूज है द प्रीकर्सर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इन सेवरल मेटाबॉलिक पाथवेज कैन बी हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द रेडियो आइसोटोप्स कौन कौन सी साइकिल्स क्रेप साइकिल्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो uh, साइकिल्स है हमारे पाथवेज ये हमने इन्वेस्टिगेट किया है पूरी पाथवेज रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके सर्टिन एंडोक्राइन एंड इम्यनोलॉजिकल स्टडीज ऑल्सो डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द रेडियो एसिटोप्स सच एज रेडियो ऐसी इम्योलॉजिकल स्टडीज भी हम रेडियो एसिटोप्स का यूज करके हम करते हैं रेडियो एसिटोप्स आर इम्प्लॉयड इन इलुसिंग ड्रग मेटाबलिज्म ड्रग मेटाबलिज्मेट करने के लिए हम रेडियो एसिडोप्स का यूज करते हैं नेक्स्ट है रेडियो एसिटोप्स आर कन्वेटली यूज इन द स्टडी ऑफ द मेटाबलिक पुल्स जैसे कि अमानो एसिड पुल एंड मेटाबलिक टर्न ओवर इन द प्रोटीन टर्न ओवर तो मेटाबोलिक स्टडी ऑफ मेटाबोलिक पुल्स में भी हम इसको यूज करते हैं अमेन एसिड पुल में सर्टेन रेडियो एसिडोप्स कैन बी यूज इन द स्कैनिंग ऑफ ऑर्गन्स तो कुछ जो रेडियो स्केसिडोप्स है हम उन्हें स्कैनिंग ऑफ ऑर्गन्स जैसे कि ग्लैंड जहां पे हम आई थर्टी वन एसिडोप्स यूज करते हैं आयोडीन का और स्टोलशियम का नाइनटी एसिडोप्स यूज करते हैं बोन के लिए तो इसके मदद से हम ऑर्गन्स का स्कैन कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी हैज बीन इम्प्लॉयड टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो रेडियो एक्टिविटी जो है हम uh, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेडिएशन प्रोड्यूस आयोनाइेशन इज डैमेज न्यूक्लिक एसिड दस द अनकंट्रोल्ड द सेल इज रेस्ट्रिक्टेड तो क्या होता है तो uh, हमारे रेडियो रेडिएशन uh, क्या कर देते हैं आयोनाइज कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को तो उसकी वजह से क्या होता है अनकंट्रोल्ड द सेल वो रुक जाते हैं तो ये हमारे यूजर्स हो गए तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स